हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अपनी फ़ोटो के ऊपर लिरिक कैसे लगाएं। लिरिक लगाने से पहले आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से VN एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों, मैंने VN एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड कर रखा है। जैसे VN एप्लीकेशन को ओपन करोगे, नीचे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना होगा आपको। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जिस फ़ोटो के ऊपर लिरिक लगानी है उस फ़ोटो को आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली तो मैं इस फ़ोटो के ऊपर लिरिक लगाऊंगा। लिरिक लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी नीचे, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस फ़ोटो के ऊपर आपको यहाँ से नीचे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको जितने मिनट का स्टेटस लगाना है, जितने मिनट की वीडियो बनानी है, उतने मिनट कहाँ से आपको बढ़ाना होगा। आपको जैसे मान लो 30 सेकंड की वीडियो बनानी है तो 30 सेकंड का आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसको। बढ़ाने के बाद आपको ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा होगा वीडियो सजेस्ट के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको प्लस का आइकन दबाने के बाद आपको यूट्यूब से ब्लैक स्क्रीन वाले स्टेटस की वीडियो डाउनलोड करनी होगी। यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी ब्लैक स्क्रीन वाले स्टेटस के लिए की। इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको जितने साइज़ की यहाँ से चाहिए, जितना साइज चाहिए इसका, उतना आपको बढ़ाना होगा। बढ़ाने के बाद आपको नीचे आपको ब्लेडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ से स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये ब्लैक स्क्रीन आपकी आ गई है, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए दोस्तों, एडजस्ट हो चुकी है। और इसके बाद इस फोटो के ऊपर नीचे क्लिक करना होगा आपको, और नीचे एक साउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, उसको म्यूट करना है। और जो वीडियो लगाई थी इसके ऊपर यहाँ से ऊपर प्लस के आइकन से इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम, और इसकी वॉल्यूम बढ़ानी है। इस गाने की वॉल्यूम इसमें ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद आपको इस वीडियो को सेव करना होगा। एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा होगा ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर जाना है आपको। एक्सपोर्ट के जाने के बाद नीचे राइट पर क्लिक कर निशान दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो अपने फ़ोन में डाउनलोड हो गई है, सेव हो गई है। सेव होने के बाद आपको ये वीडियो गैलरी में दिख जाएगी। गैलरी में दिखने के बाद अपने हिसाब से आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर कहीं पर भी आप इस वीडियो को लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो गैलरी में आ चुकी है। देखिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।